नमस्कार, मैं हूँ प्रिया ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का एक मामला सामने आया है जिसमें रितिका वर्मा नाम की एक लड़की जो कि 15 तारीख से गायब है और रितिका के परिजनों ने थाने में लगातार शिकायतें कर तहरीर दी, लेकिन ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुकदमा लिखा 363-366 का, लेकिन अभी तक ना तो लड़की बरामद हो पाई है और ना ही रितिका के परिजनों को रितिका से मिलने दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब हमारी थाना ब्रह्मपुरी SHO से बात हुई तो हमें बताया कि लड़की बालिग है, लेकिन अगर हम NCR की बात करें तो पुलिस के द्वारा काटी गई NCR में लड़की की उम्र 17 वर्ष है। अब पुलिस पर सवाल यह खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि जहां एक तरफ थाना ब्रह्मपुरी SHO लड़की को बालिग बता रहे हैं, वहीं उन्हीं के थाने से कटी NCR में साबित हो रहा है कि यह लड़की नाबालिग है। ब्रह्मपुरी SHO का यह भी कहना है कि लड़की के 164 के बयान कराए जाएंगे और रितिका वर्मा के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, लेकिन रितिका का अभी तक कुछ पता नहीं। रितिका के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से कहा कि त्रिशूल वर्मा नाम का जो लड़का जिसने उनकी लड़की का अपहरण किया, वह लड़का गलत प्रवृत्ति का है, पहले भी इस तरह की कई कोर्ट मैरिज कर चुका है। अब सवाल यह है कि रितिका के परिजनों का कहना है कि हमारी लड़की के साथ अगर कोई दुर्घटना या कोई मामला होता है तो उसके जिम्मेदार ब्रह्मपुरी पुलिस चौकी इंचार्ज शैलेंद्र प्रताप सिंह होंगे। वहीं पीड़ित परिवार का कहना यह भी है कि 2-3 बार अभी तक SSP कार्यालय भी जा चुके हैं और कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब सवाल यह है कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे मिले। मेरी बेटी का नाम रितिका वर्मा है। वो 15 तारीख को स्कूल के लिए निकली थी 9:15 बजे घर से, और रास्ते में त्रिशूल वर्मा नाम के लड़के ने उसे किडनैप कर दिया, जिससे मुझे ये नहीं पता मेरी बच्ची कहाँ है। और मैंने 15 तारीख को मैंने रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट उन्होंने 17 तारीख को दर्ज करी ब्रह्मपुरी पुलिस थाने वालों ने। 21 तारीख को हमें ये पता चला कि लड़की उनके पास है या नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। हमने SSP के ऑफिस भी गए हम कई बार, 3-4 बार, उन्होंने भी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी अभी तक। हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। क्लास में पढ़ती है वो? इंटर में पढ़ती है मेरी बच्ची, ये शारदा रोड पे सिटी लोग पब्लिक स्कूल में। लेकिन ब्रह्मपुरी पुलिस का भी क्या कहना है? ब्रह्मपुरी पुलिस का कोई कुछ जो हमें सही नहीं बता रहे कि क्या है क्या नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे किसी भी तरह से। आपको क्या लगता है? मैं क्या बताऊँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, मुझे चाहे कैसे भी दो मेरी बच्ची को ढूंढ के, वो किसी स्थिति में है, जिंदा है, मर गई, कैसे हो। अगर उसे कोई दिक्कत परेशानी है तो इसकी जिम्मेदार फिर ब्रह्मपुरी पुलिस थाने वाले होंगे, क्योंकि जो लड़का लेके गया है वो बहुत खुराफाती लड़का है, उसकी पहले भी शादी हो चुकी कोर्ट मैरिज, समझे। वो सब भारती में नौकरी करता था, बहुत नालायक लड़का है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। तो आप उसके बाद SSP ऑफिस गए? SSP ऑफिस गए, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हमें। 3-4 बार चली गई मैं वहाँ पे। SSP का क्या कहना है अभी? कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा ठीक से हमें, कोई भी ठीक से नहीं कह रहा, वो सुनते भी कहाँ आएंगे हमारी ठीक से, वो सुन भी नहीं रहेंगे, ना कोई जानकारी दे रहे। बताओ मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची का मुझे पता तो चले कहाँ है, किस स्थिति में है, कहाँ है।